इस समय आप लोग देख रहे होंगे दुनिया भर में दो नेताओं की चर्चा काफी बनी हुई है। एक तो आपके रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं और दूसरे आप देखते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलसिंकी हैं। इनका नाम भी काफी चर्चा में बना हुआ है। पहले आप लोग मैप पर भारत को, रूस को, यूक्रेन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वोलोडिमीर जेलसिंकी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आपको बता दूं कि एक समय ये कॉमेडियन भी रहे हैं और आज आप देखें कि राष्ट्रपति पद का संभाल रहे हैं, तो इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। और अपने पड़ोसियों की बात करें तो आप देखेंगे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर आप देखेंगे चाइना, आपको ये सभी हमारे पड़ोसी देखने को मिलेंगे। रूस की बात आप देखें तो ऊपर आपको रसिया, रूस देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी की बात करें तो मॉस्को है और यहीं आपको देखने को मिल जाएगा यूक्रेन। और इसकी राजधानी की बात करें तो कीव इसकी राजधानी है। और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इनकी पिक्चर आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई ही दे रही है, दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये इनकी पिक्चर है। और इनके पूरे नाम की बात करें तो वोलोडिमीर ओलेक्जेंडर रोविच जेलेंसकी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यानी कि इनका पूरा नाम है वोलोडिमीर ओलेक्जेंडर रोविच जेलसिंकी, ठीक है, जेलेंसकी। उपनाम की बात करें तो वोलोडिमीर इनका उपनाम है। और इनके जन्म तिथि की बात करें तो आप देखेंगे 25 जनवरी 1978 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, किस जगह इनका जन्म हुआ था, क्रीवी रे, यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था। और इनके व्यवसाय की बात करें यानी कि ये काम क्या करते हैं, तो आपको बता दूं कि अभिनेता भी हैं, हास्य अभिनेता भी हैं, टेलीविजन लेखक भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं, टेलीविजन निर्माता भी रहे हैं, फिल्म निर्माता भी रहे हैं, राजनीति में आप देख रहे हैं यानी कि राजनीतिक भी हैं। और अभी ये वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग इनकी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो सर्वेंट ऑफ द पीपल इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है। और जेलेंसकी ने कानून की डिग्री प्राप्त की हुई है और शिक्षा में अगर आप बात करें तो एक तरह से एक वकील है और एक प्रोडक्शन कंपनी कंपनी क्वार्टल 95 इन्होंने बनाई, जो फिल्मों में कार्टून हो गया, टीवी कॉमेडी शो का निर्माण करती हुई है। और क्वार्टल 95 ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नामक एक टेलीविजन श्रृंखला बनाई हुई है जिसमें जेलेंसकी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई हुई थी। और आपको बता दूं ये श्रृंखला 2015 से लेकर 2019 तक प्रसारित की गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि किसी नेता की जब बायोग्राफी बनती है या उसके ऊपर मूवी बनती है तो आप देखते हैं उसके प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति बनने के बाद ही उस पर मूवी बनती है। लेकिन ऐसा कम ही देखा जाता है कि आप देखिए किसी व्यक्ति पर मूवी बन रही है और उस मूवी में आप देखें वो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है और आगे चल के वो राष्ट्रपति बन जाता है किसी देश का, समझ रहे हैं आप लोग। मार्च 2018 में टेलीविजन शो के समान नाम की एक राजनीतिक पार्टी को क्वार्टल 95 के कर्मचारियों ने बनाया था। और जेलेंस्की ने 31 दिसंबर 2018 की शाम को 2019 के यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की हुई थी। जेलेंस्की दूसरे दौर में आप देखेंगे 73.22 वोट के साथ चुनाव जीता था और मौजूदा पेट्रो पोरोसेंको को इन्होंने हराया हुआ था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे पोरोसेंको, इन्हें हराया हुआ था। अगर हम लोग वोलोडिमीर जेलेंस्की के परिवार की बात करें तो आप देखेंगे वोलोडिमीर जेलेंस्की के पिता अलेक्जेंडर जेलेंस्की ने एक प्रोफेसर हैं जो क्रीवी री इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में साइबर टेक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर की एक अकादमिक विभाग के प्रमुख हैं। और यूक्रेन को आप देखेंगे साइबर के क्षेत्र से काफी जोड़ा जाता है। उनकी माँ रिम्मा जेलेंस्का एक इंजीनियर के रूप में काम करती थी। उन्होंने अपना प्राथमिक विद्यालय पूरा किया और 4 साल तक मंगोलिया में एडिनेट शहर में रहे जहां उनके पिता काम करते थे। जेलेंस्की ने क्रीवी री इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री हासिल की हुई है और तब की क्यू नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का एक विभाग हुआ करता था। अगर हम लोग जेलेंस्की के फिल्म कैरियर की बात करें तो आप देखेंगे 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की थी और इस कंपनी ने यूक्रेन की 1+1 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण किया और इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर
कोलोमोइस्की ने फाइनेंस किया था और दावा किया जाता है कि बोलो डिमीर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का सारा खर्चा भी इहोर कोलोमोइस्की ने ही उठाया था। और 2010 तक बोलो डिमीर जेलेंस्की यूक्रेनी यूक्रेनी टेलीविजन के इतिहास के सबसे सफल कलाकारों में शुमार होने लगे। उन्होंने कई सुपरहिट टीवी शो और फिल्मों में काम किया है और जिसमें लव इन दी बिग सिटी 2009 और रेजेविस्की वर्सेस नेपोलियन 2012 काफी प्रसिद्ध रहा था। और साल 2014 न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि इसी साल यूक्रेनी जनता ने विद्रोही कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया था और जिसके बाद जवाब में आप देखेंगे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रीमिया पर कब्जा भी कर लिया था। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तब से ही रूस ने यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी शुरू किया हुआ था। और अभी आप देखेंगे रूस उसी की एक तरह से भड़ास निकाल रहा है। और उसके एक साल बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल ने वोलोडिमीर जेलेंस्की के नाम को और ज्यादा प्रसिद्ध किया और इस सटायर ने में जेलेंस्की ने वासिली गोलोबोरोड्रको नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाया था और इस शो में उन्होंने राष्ट्रपति का किरदार निभाया और जिसकी खूब तारीफ हुई थी। और आप देखेंगे 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति को हराकर इन्होंने यूक्रेन की कमान संभाली हुई थी। जेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया और राष्ट्रपति चुनाव में जेलेंस्की ने तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी थी और इस चुनाव में आप देखेंगे उन्हें 70% से अधिक मतों में से पेट्रो पोरोशेंको को माध्य और यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरह से इनका सफर रहा है राष्ट्रपति बनने का। तो इनके बारे में इस तरह का जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है उसके बारे में एक सामान्य चर्चा सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। इससे क्या रहता है कि आपको देश दुनिया के बारे में मालूम भी रहता है और अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, हम लोग मिलते रहेंगे।